अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो आज है की वो वीडियो में हम ग्रोइंग बैग्स तैयार करना सीखेंगे कि किस तरीके से बहुत इजीली हम अपने प्लांट्स को जो है वो पॉट के अलावा और किस किस चीज़ के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मैंने बॉटल्स के अंदर ग्रो किया हुआ है। इस तरीके से आप इस शेप में कट करके ग्रो कर लें या फिर इस शेप के अंदर ग्रो कर लें, चाहे वो एलोवेरा का प्लांट हो, मनी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, हमारा बहुत ईजीली जो है वो ग्रो हो जाता है। जिस तरीके से मिट्टी के पॉट्स के अंदर ग्रो होता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो हमारे प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर और जो है वो हमारे ग्रोइंग बैग होते हैं उसके अंदर जो है ये ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये मेरे कलर के बॉक्स के अंदर कितने अच्छे तरीके से जो है ये पाम का प्लांट लगा हुआ है और इसी की तरह ये एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर इसका रिजल्ट जो है वो कितना ज़बरदस्त जो है वो हमें मिल रहा है। और ये देखिए, जो जस्ट हमारे घर पे शॉपर आते हैं, शॉपर बैग, दाल वगैरह, और ये एवरीडे के उसके अंदर जो है वो मैंने ये छोटे छोटे से होल्स कर इसके अंदर जो है ये प्लांट लगा दिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी माशाल्लाह से मेरा एलोवेरा कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये थोड़ा सा धूप की वजह से ऐसा हो गया, वरना जो है इसके साइड में से इतने बेबीज निकल रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कहीं ये मेरा बैग जो है वो फट ही ना जाए। जस्ट मैंने एक सिंगल जो है वो अपना प्लांट लगाया था और आप लोग देख सकते हैं, ये देखें इसके साइड में से भी जो है वो बेबीज निकल रहे हैं और इसी तरीके से इसके साइड में से भी आप ये देखिए बेबीज जो है वो निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये हमारे बैग जो है वो हमारे काम में आ जाते हैं अगर हमें इसका जो है वो तरीका पता हो तो। बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं ये, तकरीबन एक साल तक तो चलते ही हैं। मेरे भी एक तकरीबन जो है वो 6 महीने पुराने हो चुके हैं। जब आप स्टार्ट के अंदर लगाएंगे तो इस तरीके से हो सकता है उसका कलर हो जाए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी उसको फेंकना नहीं है, कुछ भी नहीं फेंकना। क्योंकि जब भी कोई प्लांट हमारा अपने न्यू घर में शिफ्ट होता है तो फिर उसको सेट होने में वहाँ पर थोड़ा सा वो टाइम लगता है। इसके अलावा ये देखिए, मैंने छोटी सी बॉटल्स के अंदर इस तरीके से कट करके लगाया हुआ, इसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से कित ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हो रही है। ये देखिए, ये जो है वो मैंने बैग ले लिया है, ये मेरा दाल का जो है वो शॉपर था और इसके अंदर इस तरीके से मैंने सीजर से जो है वो जगह जगह थोड़े थोड़े से कट लगा दिए ताकि एयर पास हो। बस आपने यही करना है, चाहे तो आप बीच में भी लगा दें, लेकिन मैंने नीचे नहीं लगाया। यहाँ से जो है वो अपना जो है वो प्लांट लेने वाली हूँ। ये तकरीबन मैं सारे प्लांट्स आज शिफ्ट करूँगी क्योंकि मुझे इस पॉट की जो है वो अर्जेंट ज़रूरत है। इस वजह से जो है वो मैं ये सारे ही प्लांट अपने शिफ्ट करूँगी। तो अपने करना क्या है, इस तरीके से आप अपने इस प्लांट को पकड़ लीजिए। ये देखिए, जैसे आपको प्लांट लेना है उसको पकड़ के और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचिए। ये देखिए कितना इजीली जो है वो अपने रूट्स के साथ ये निकल के आ गया। और ये देखिए, ये इसका साइड में से ये भी है इसके, ये देखिए ये इसका बेबी भी, इसके रूट्स आप इस तरीके से अलग करेंगे, ये बहुत ईजीली जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, आप इसको भी यूँ करके बहुत ईजीली जो है वो निकल आएंगे। ये देखिए इसके रूट्स भी और ये साथ में, ये सारे ही मैं इस तरीके से जो है वो निकाल दूँगी। बहुत इजी टू ग्रो होते हैं और फिर जो है वो एलोवेरा का काफ़ी जो है वो यूज़ भी होता है। आप इसको जितना लगाएं उतना जो है वो कम है हेयर के लिए, स्किन के लिए, और बहुत सारे लोग इसको जो है वो खाते भी हैं। ये सारे इसको रिमूव कर दीजिए इस तरीके से, सिर्फ इसके रूट्स जो हैं वो रहते हैं। और ऐसे ही मैं ये सारे अपने निकाल लूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी बेबीज़ कैसे निकलते हैं। ये देखिए, इसकी रूट्स में से, साइड में से इसकी इस तरीके से न्यू बेबीज़ निकलने लगते हैं। और ये देख लीजिए आप, जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके भी लगा दूँ ना, इतना छोटा सा बेबी एक रूट के साथ, तो ये भी जो है वो ग्रो कर जाएगा। और इसके जितने रूट्स हैं सब में से इसी तरीके से जो है वो बेबीज़ निकलने लगते हैं जब हमारा एलोवेरा का प्लांट जो है वो पुराना हो जाता है। ये देखिए किस तरीके से जो है ये निकल रहे हैं, कितना जो है वो ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने मिट्टी जो है वो डाल दी है। आप एलोवेरा के लिए कोई भी हार्डली मिट्टी भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके अंदर 50% जो है वो काउ डंग है और 50% जो है वो गार्डन की मेरी सॉइल है। थोड़ी सी इसके अंदर मिट्टी जो है वो मैं और ऐड करूँगी इस तरीके से। बस जो हम बैग के अंदर लगाते हैं उसमें ख्याल ये रखना है कि आपने बिल्कुल भी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आप पॉट में जितनी जो है वो वाटर डालते हैं उसका जो है 50% कम जो है वो आप अपने प्लास्टिक के ग्रोइंग बैग्स में डालेंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस तरीके से इसमें बीच में थोड़ी सी हम जगह बनाएंगे और अपना कोई भी एक प्लांट जो है वो इसके अंदर लगा देंगे। ये देखिए, मैं ये जो है इसके अंदर लगाने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने इसको रख दिया, आप देख सकते हैं इसके रूट्स भी इसके अंदर आराम से जो है वो आ गए। अब मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी बाकी मज़ीद मिट्टी डाल दूँगी। इस तरीके,
पूरा फिल नहीं करेंगे, बस इतना डालना है कि आपके जो रूट्स हैं वो कवर हो जाएं, बिल्कुल भी रूट्स को जो है वो एयर नहीं लगे। इस तरीके से आप इस तरीके से इसको जो है वो कर देंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव। और ये देख सकते हैं आप कितने इजीली जो है वो इसके अंदर ही हमने प्लांट अपना लगा दिया। इसी तरीके से आप किसी भी प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, दाल का ले लीजिए या एवरी डे का किसी भी चीज़ का, बस ख्याल ये रखना है कि बैग जो है वो थोड़ा सा ठीक हो। मतलब ये नहीं कि आप लगाएं और फौरन ही जो है वो भी फट जाए, तो मेहनत भी ज़ाया जाए। ये बैग्स जो हैं वो तकरीबन 1 ईयर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चल जाते हैं। किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए।